हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल लेके आ गई हूँ। उससे पहले मैं एक क्रीम का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था, सोफ्रा माइसिन क्रीम है। उस टाइम से मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ एंड बहुत ही बेनिफिशियल। आपके स्किन पे कोई डार्क स्पॉट्स है या फिर स्किन ग्लो नहीं करती है या फिर आपकी स्किन बहुत ड्राई है, झुर्रियाँ आ रही हैं या फिर पैचेस पड़ जाते हैं, ड्राई पैचेस, तो आप ये यूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और आपकी स्किन पे जैसे जैसे आप इसको यूज करोगे बहुत ज़्यादा आपको ये बेनिफिशियल लगेगा। और मेरा तो ये मतलब बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम होती है मैं इसको अप्लाई करती हूँ, देन मेरा स्किन अगेन ग्लो करने लगता है। तो आप लोग पूछते हो कि मेरे ग्लोइंग स्किन का क्या राज है, तो यही है सोफ्रामाइसिन, मेरा सीक्रेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सोफ्रामाइसिन किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएगा। सोफ्रामाइसिन जाके बोलोगे और मिल जाएगा। ड्राई स्किन वालों के लिए वरदान से कम नहीं। आप ट्राई करोगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा। मैं इसको बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रही हूँ। एक बार मुझे याद है ये स्किन नो स्कार्स वगैरह क्रीम जो मार्केट में चली थी, जो स्किन जला के थोड़े दिन के लिए तो गोरा बना देती थी फेस, लेकिन बाद में जा चल के वो पूरा ब्लैक ब्लैक हो जाता था। उस टाइम जैसे मेरा फेस एक बार बहुत ज़्यादा डल हो गया था एंड मैंने भी नो स्कार क्रीम यूज़ किया था जब मेरी बेबी हुई थी, या फिर मुझे यहाँ पे गांव में कीड़े लड़ जाते हैं तो दाग पड़ जाता है, वो दाग का निशान यहाँ पे था, भी ठीक हो गया। तो वो मुझसे मैं बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, उसको दाग को हटाने के लिए मैंने वो क्रीम यूज़ किया नो स्कार। तो वो क्रीम मैंने थोड़े दिन यूज़ किया तो मुझे फील हुआ मेरी स्किन बहुत पतली हो रही थी और कुछ भी यूज करने पे जलन अजीब सा फील होता था। जैसे कि मेरा काम पार्लर का है तो मेकअप वगैरह कई बार ट्राई करने पे वो मेरे स्किन पे रिएक्ट करता था, तो मैंने वो नो स्कार क्रीम छोड़ दिया। फिर छोड़ते ही आप यकीन नहीं करोगे, ये वाला एरिया पूरा ब्लैक, माउथ के अराउंड पूरा ब्लैक, और जो डार्क स्पॉट्स था वो और ज़्यादा डार्क हो गया। जैसे मेरा जो कॉन्फिडेंट लेवल था काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं दोबारा से कभी अपने नेचुरल स्किन को पा पाऊँगी या फिर नेचुरल ग्लो आ पाएगा। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, फिर मैंने सोचा अब लग रहा है मेरा फेस ऐसे ही रहेगा। फिर मैंने किसी डॉक्टर से पूछा था तो उन्होंने मुझे सोफ्रामाइसिन के बारे में बताया था, तो मैंने इसको यूज़ किया। मुझे एक हफ्ते में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला, मेरे ब्लैकनेस एंड ड्राई एरियाज काफ़ी जल्दी जल्दी रिकवर होने लगे एंड काफ़ी अच्छा होगा। अभी मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है स्किन पे तो मैं ये यूज़ करती हूँ, जिससे मेरी स्किन बहुत अच्छी एंड हेल्दी हो जाती है। बट ड्राई स्किन वालों के लिए है, ऑयली स्किन का मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरी स्किन ऑयली नहीं है, मैंने मेरी ड्राई है और मैं काफ़ी लॉन्ग टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आपको भी ड्राई स्किन है, स्किन पे बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है, तो आप ये ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए हेयर स्टाइल की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इसी तरीके की न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हेयर स्टाइल है मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। मैं ऐसी कैमरे के सामने आ जाती हूँ एंड जो भी बन जाता है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ अच्छा सा यूनिक सा सोचते रहती हूँ एंड कुछ अच्छा सा बन जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनाने वाली हूँ आज मैं। तो पहले अपना इस तरीके से मैं ईयर टू ईयर पार्टीशन करके अपने क्राउन एरिया के सारे हेयर को ऊपर की तरफ इस तरीके से ले रही हूँ। मैं टैगिंग प्रोडक्ट का जो यूट्यूब ने एक टैग दिया है उस पर मैं इसको डाल दूंगी, सोफ्रामाइसिन क्रीम को। आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, बहुत सस्ती है, 51, 50, 55, 60 के अंडर में मिल जाएगी आपको, 60 रुपये के अंदर। तो इतने हेयर मैंने ले लिए हैं। अब जो बैक का हेयर है उसको मैं अच्छे से कॉम कर रही हूँ और एक रबर बैंड से टाइटली रबर बैंड को लगा लूँगी। ये कुर्ती जो मैंने पहनी हुई है इसकी वीडियो मेरे उस चैनल पे प्रीति वाली टूर पे जा चुकी है। ये मेरा बचा हुआ कपड़ा था, किसी का ब्लाउज मैंने स्टिच किया था तो उसमें से बचा था तो मैंने इसको रख लिया था एंड ये ऐसे ही 2 मीटर कपड़ा मंगाया था मैंने। तो किस तरीके से दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक खूबसूरत सा डिज़ाइनर कुर्ती बनाया है, बाजू पे भी डिज़ाइन है, तो आप जाके देख लेना और ट्राई कर लेना। तो इस तरीके से मैंने पोनीटेल बना लिया है, देन ऊपर का हेयर छोड़ दी हूँ मैं, साइड पार्टीशन कर दी मैं यहाँ पे। करेंगे
गाइस कोई बढ़िया सी माइक का मुझे बताओ, माइक के बारे में जो मैं ले पाऊँ, ताकि मेरे जो साउंड में बैकग्राउंड साउंड बहुत आप लोग को डिस्टर्ब करता है वो ना आए। अब मैंने इस तरीके से हेयर को ले लिया है, पूरे हेयर को यहाँ पर एंड यहाँ से उठाएंगे। आगे की तरफ पुल करेंगे, हल्का सा पफ का लुक देंगे एंड क्लिप की मदद से, सॉरी क्लिप निकाल देती हूँ, ये क्लिप का बॉक्स है मेरा। मैं यहाँ टिक टिक क्लिप से इसको सिक्योर कर रही हूँ, आपके पास जो क्लिप हो बॉडी क्लिप जो भी चाहिए उसके आप इसको सिक्योर कर लीजिएगा। ये जो हेयर है इनको छोड़ देंगे ऐसे ही, और ये साइड के हेयर को इस तरीके से लेते जाएंगे। जब हम लोग ये ट्विस्टिंग बनाते हैं तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ लेते हो तो हमारी ये स्कैल्प दिखती है, मांग दिखती है जो अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाओ, ऐसे आपकी जो हेयर स्टाइल है वो प्रोफेशनल दिखेगी एंड आपकी मांग भी नहीं दिखेगी। पीछे की तरफ ले जाके इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी चाहिए। बैक साइड में लेके जाएंगे, हल्का सा आगे तक पुल करेंगे ताकि ये फ्लैट ना दिखे, हल्का सा पुल करने चाहिए इस तरीके से दिखेगा। तो आप इसके अब एक क्लिप लगा दीजिए बैक साइड में, और इस तरीके से हल्का सा पुल करोगे तो आपका पीछे का पॉप का वो भी नहीं खिंचकेगा, पिछले का मतलब फ्लैट नहीं होगा। अब सेकेंड साइड में आपको क्या करना है, सिंपली इस तरीके से हेयर को लेना है। जब आपने फर्स्ट लेयर ली है इसको टाइटली पकड़े रहिएगा, देन सेकेंड लेयर लेंगे, सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर के नीचे से इस तरीके से लेके आएंगे और आगे की तरफ लाके नॉट लगा के इसको छोड़ देंगे। ओके, आगे एक और लेयर लेंगे, फिर इसमें नॉट लगाएंगे और इसको भी फ्रंट की साइड लाके छोड़ देंगे, टाइट करते जाइएगा साथ साथ में। अगेन एक लेयर लिया है, जो आपने फर्स्ट लेयर लिया था उसको टाइटली पकड़े रहिएगा। इसी तरीके की न्यू न्यू हेयर स्टाइल की आइडियाज़ मैं लेकर आते रहती हूँ अपने चैनल पे, तो न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके की हेल्पफुल हेयर स्टाइल की वीडियो एंड न्यू आइडियाज़ देखने के लिए। बस नॉट लगाना है, फ्रंट की साइड छोड़ देना है, एंड तक जितना भी हेयर आपने लिया है सब में इसी तरीके से करना है और छोड़ते जाना है। अब इसको भी बैक साइड में ले जाके क्लिप की मदद से उठा कर दूँगी। अब बारी आती है ये जो हमने नोट लगाई थी इसकी, तो इसको आपको सिंपली ट्विस्ट करते जाइए सारी हेयर को एक साथ लेके। तो कैसा लगा आज का आइडिया मेरा हेयर स्टाइल का, आई होप कि पसंद आया होगा, बहुत प्यारा लग रहा है, आप जरूर ट्राई कीजिए मेरा। इस तरीके से नहीं बन रहा है तो आप बिल्कुल इसको एक एक लेयर को लेते जाइए एंड ट्विस्टिंग के साथ मिक्स करते गई। इस तरीके से फोरहेड तक लेके आना है और बैक साइड में क्लिप से सिक्योर कर लेना है। कैसा लग रहा है गाइस, आई होप कि पसंद आया हो, बिल्कुल न्यू है, बहुत इजी तरीके से मैं बताती हूँ अपने चैनल पे,
तो इस तरीके से आपको छोड़ना है। देन आप चाहो तो एक और रबर बैंड लगा के यहाँ पे पोनी टेल बना के लिए छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और रबर बैंड लगा रही हूँ। एंड इसमें आप बन भी क्रिएट कर सकते हो। बन के लिए आप एक डोनट बन ले लो, पार्टी बन बन जाएगा, वो भी काफ़ी प्यारा लगेगा। यहाँ पे मैंने एक डोनट बन ले लिया है। अब सिंपली डोनट बन के थोड़ा थोड़ा लेयर ले ली और इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे। Thanks for watching. Bye bye.